हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है स्वामी मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। दिस इज़ माय विलेज आसापुर। यहाँ पे मेरे फादर पले बड़े और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे वेकेशंस में समय मिलता है तो मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ की शांति, यहाँ की जो नेचुरल अपील है वो मुझे या मेरे ख्याल से किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करती है। शहर के भागम भाग से दूर गांव में कुछ दिनों के लिए आना हमेशा अच्छा लगता है। हर गांव की तरह इस गांव में भी अलग अलग कहानियां हैं। कुछ बहुत अमेजिंग हैं, कुछ अकल्पनीय हैं, कई रहस्य हैं, कई सुलझी अनसुलझी बातें हैं। और इन्हीं कहानियों में कुछ कहानियां बहुत रोचक हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं, कुछ बहुत हंसी की हैं तो कुछ बहुत ख़तरनाक हैं। आपको इस तरह की कहानियां किसी भी गांव के इतिहास में अक्सर सुनने को मिल जाएंगी। जब हम किताबों की बातें करते हैं, कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवल्स की बात करते हैं, और स्पेशली ऐसी कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवल्स की जो हम अक्सर अपने चैनल पर दिखाते हैं, तो अक्सर हम शहरों की बात करते हैं। बिकॉज यूजुअली देखा जाता है कि जो सुपर हीरोज़ हैं या जो जितने भी मॉडर्न डे स्टोरीज़ हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% शहरों में ही दिखाई जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्टोरीज को गांव की तरफ दिखाया नहीं जाता है। ऐसी ही प्रस्तुति, ऐसी ही ये क्रिएशन याली ड्रीम क्रिएशंस के जरिए आज से कुछ साल पहले पब्लिश की गई। मैं बात कर रहा हूँ द विलेज, रिटन बाय शामिक दास गुप्ता, द वेरी वेल नोन राइटर फॉर रामायण रिलोडेड, रक्षक एंड मैनी अदर इशूज ऑफ याली ड्रीम क्रिएशंस। उनकी राइटिंग में, उनकी कहानियों को बताने के तरीके में जो एक रहस्य होता है, जो एक उनका अपना वे है, और वे ऑफ ब्रिंगिंग आउट स्टोरीज, वे ऑफ ब्रिंगिंग आउट द कैरेक्टर्स, वे ऑफ ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंट प्लॉट्स, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आई रिमेंबर इट वाज लास्ट ईयर ड्यूरिंग दिवाली जब हमें यह मौका मिला, ड्राइंग हाउस को यह मौका मिला कि शामिक दास गुप्ता जी को हमने अपने चैनल पर बुलाया। ही वॉज ग्रेशियस इनफ टू गिव अस टाइम, he was humble enough to give us I think more than an hour, and we had a lot of talk about comic books, graphic novels, we had a lot of talk about unki jo abhi ki comic books hain, jo abhi aane wale projects hain, unke jo pehle ke projects hain, we were having the talk, and of course we had the talk about the village. hum is kitab ke bare mein baat kyon kar rahe hain jabki is graphic novel se related sacred videos aapko alag alag youtubers ke paas mil jayenge। ये वीडियो इस कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल के रिव्यू के बारे में नहीं है। इस वीडियो में एक खुशी जाहिर की जा रही है एज अ फैन, एज अ रीडर, पीपल लाइक मी, और मैं और मेरे जैसे सैकड़ों हजारों फैंस और कॉमिक बुक रीडर्स के लिए अभी कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज़ अनाउंस की गई है। और वो न्यूज़ ये है कि द विलेज ग्राफिक नॉवल बाय याली ड्रीम क्रिएशंस का अभी हाल में ही एक लाइव एक्शन एडेप्टेशन किया गया है। यस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी भारतीय किताब, भारतीय पब्लिकेशन से रिलेटेड एक लाइव एक्शन टेलीविजन सीरीज दर्शकों के सामने आ रही है। द विलेज की अगर बात की जाए तो उसके राइटर हैं शामिक दास गुप्ता, एंड द इलस्ट्रेशंस हैव बीन डन बाय नन अदर देन गौरव श्रीवास्तव। दे आर सर्टन पीपल जो मेरे चैनल पर कहते हैं कि गौरव श्रीवास्तव इज़ द वन ऑफ दोज अंडर रेटेड आर्टिस्ट ऑफ आर इंडस्ट्री दैट शुड बी गिवन क्रेडिट्स, लेकिन इस किताब को देखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि गौरव श्रीवास्तव के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर हम कहें कि वो अंडर रेटेड हैं। ये बात अलग है कि इंडस्ट्री को, कॉमिक इंडस्ट्री को, पब्लिकेशन इंडस्ट्री को वो मुकाम, वो ओहदा जो अब तक मिल जाना चाहिए था नहीं मिला है। बट चेंजेस आर कमिंग, और इसी ऐसे ही एक चेंज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जस्ट लुक एट द आर्ट वर्क, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग आर्ट वर्क्स। मैं समझता हूँ कि किसी भी हॉरर स्टोरी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक सुपर हीरो कॉमिक बुक बनाते हैं तो उसका आर्ट वर्क, उसकी अपील वैसी हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए अगर वो सुपर हीरो रिलेटेड नहीं है। द कैरेक्टर्स needs to look very ordinary, just like you and me, और उन उस ordinariness की वजह से कहानियाँ special हो जाती हैं। इसके artwork को अगर आप देखें, once again, hats off to
तो गौरव श्रीवास्तव उन अपने आर्ट में वो इतने ज़्यादा निखरते जा रहे हैं। और ये आर्ट वर्क तो बाय द वे अभी का नहीं भी है। जो व्यूअर्स ये ना जानते हो, मैं बता दूं कि ये बुक आज की नहीं है, दिस बुक केम सर्टन ईयर्स अगो, और अब जाके इसकी एडेप्टेशन आ पाई है। तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर कोई यंगस्टर कहे कि ये ग्राफिक नॉवल शायद अभी आई होगी, लेकिन उसको ये ना पता हो कि ये पहले ही आ चुकी है एंड इसकी लाइव एक्शन एडेप्टेशन अब दिखाई जा रही है। किसी भी कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल का जो लाइव एक्शन एडेप्टेशन किया जाता है, एटलीस्ट अभी तक जितने किए गए हैं वो वेस्ट में किए गए हैं, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दिस इज़ द टाइम जब वो सभी सक्सेसफुल हैं, प्रॉफिटेबल हैं टू द प्रोड्यूसर्स। किसी भी लाइव एक्शन एडेप्टेशन में कुछ सर्टेन चेंजेस किए जाते हैं अक्सर। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि द विलेज के जो लाइव एक्शन एडेप्टेशन अब आ रही है, इवन दो वो डिफरेंट हो सकती है, बट देर आर सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो मेनी डिफरेंट पीपल, सो मेनी डिफरेंट मॉन्स्टर्स इन दिस अमेजिंग स्टोरी। एज अ रीडर, एज अ फैन, मैं चाहूँगा कि उनका डिज़ाइन, उनका जो अपीरेंस है वो वैसा ही हो जैसे कि ग्राफिक नॉवल में लिया गया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं उम्मीद ये करता हूँ बाय द प्रोड्यूसर्स एंड द क्रिएटर्स ऑफ द लाइव एक्शन सीरीज़ कि उन्होंने इस ग्राफिक नॉवल को जितना ज़्यादा हो सके उतना डायरेक्टली अडेप्ट किया हो, उतना ही अच्छा रहेगा फॉर द रीडर्स और उतना ही अच्छा रहेगा इसकी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसके किरदार, इसकी लोकेशंस, इसका फील एंड लुक एंड स्पेशली इस कहानी के मॉन्स्टर्स हमारी ग्राफिक नॉवल सीरीज से मैच खाएं। द विलेज का लाइव एक्शन एडेप्टेशन अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आने वाला है। ऑफ कोर्स अ ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू अश्विन जी, टू शामिक दास गुप्ता एंड ऑफ कोर्स टू द एंटायर टीम ऑफ द विलेज। द स्टोरी ऑफ द विलेज टेक्स प्लेस इन 2023, जहां भारत को एक एडवांसमेंट की तरफ दिखाया गया है टेक्नोलॉजिकली, वहीं दूसरी तरफ आज भी, यानी कि इस स्टोरी में दिखाया गया है कि आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जो कि उसी रूढ़िवादिता में, उसी कट्टरपंथी सोच में जी रहे हैं। और ऐसी ही एक विलेज की कहानी है कटियाल, जो कि आज की डेट में हॉन्टेड माना जाता है। आज की डेट में वहाँ कोई भी ना ही रहता है और ना ही जाता है, और अगर कोई जाता है तो वापस लौट के नहीं आ पाता। कुछ यही है कहानी द विलेज की। नाउ आई थिंक देयर माइट बी सम चेंजेस इन द स्टोरी टेलिंग प्रोसेस फॉर द लाइव एक्शन एडेप्टेशन, लेकिन अगर इस अमेजिंग ग्राफिक नॉवल की अगर बात करें तो इसकी जो कहानी है वो एक एक एक, एक फैमिली के बारे में है, जिसमें जो जो हस्बैंड है उसका नाम है गौतम, और वो एक विलेज से निकल रहा होता है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसकी बेटी और उसकी वाइफ अनफॉर्चुनेटली इन द मिडल ऑफ नो वेयर फंस जाते हैं, और बिकॉज किसी न किसी तरीके की हेल्प चाहिए थी, गौतम उस लोकेशन को छोड़कर किसी दूसरी लोकेशन में जाता है ताकि वो कहीं ना कहीं से मदद ला सके। और यहीं से शुरुआत होती है अकल्पनीय घटनाओं की। द विलेज इज़ हॉन्टेड, और उसके बाद देयर इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। उसके बाद स्टोरी अपने आप में इस तरीके से लिखी गई है कि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप कहानी को छोड़कर, आप किताब को साइड में रख के कुछ और कर लें। एटलीस्ट मेरे जैसे रीडर के लिए इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शामिक दास गुप्ता के साथ में लास्ट ईयर जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अब कहानियाँ कुछ इस तरीके लिखता हूँ जो डायरेक्टली लाइव एक्शन एडेप्टेशन के लिए तैयार हूँ। सो वॉट ही मेंट वॉज कि अब जस्ट लाइक द प्रीवियस डेज वो कहानियों को बहुत मेगा इवेंट के रूप में नहीं बनाते हैं। ही इज़ नॉट मेकिंग लाइक सुपर साईफाई स्टोरीज, एंड वॉट ही इज़ ट्राइंग टू मेक इज समथिंग जो कि जन सामान्य देख सके, समझ सके और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्जॉय कर सके। द विलेज ऐसे ही एक ग्राफिक नॉवल है, और द विलेज टेलीविजन सीरीज जो अब आने वाली है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसी ही सीरीज होगी। बट नेवरदलेस एक बात पक्की है, द विलेज के साथ में वो शुरुआत कर दी गई है कि भारतीय टेलीविज़न पे, स्क्रीन पर अब हम कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवल्स से रिलेटेड एडेप्टेशंस देख सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर द रियल चेंज स्टार्ट्स, यहाँ से वो नया चेंज शुरू होता है, बिकॉज अब आज का जो युवा है, आज का जो यंगस्टर है, जो बुक्स और कॉमिक बुक्स में उतना ध्यान नहीं देता है, अब जब वो अपने टेलीविज़न स्टार को, अपने मूवी स्टार्स को इन कॉमिक बुक और ग्राफिक नॉवल एडेप्टेशंस में देखेगा, देन
ही और शी वुड लाइक टू रीड द ग्राफिक नॉवल्स. जब उसको पता लगेगा कि ये एक्चुअली एक ग्राफिक नॉवल से अडेप्टेड है, ये कोई कॉमिक बुक सीरीज से अडेप्टेड है, तो वो उसको पढ़ना चाहेगा. सो एट द एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम ऑफ येलो ड्रीम क्रिएशंस फॉर द विलेज. और मैं इस वीडियो को देखने वाले हर व्यूअर, हर सब्सक्राइबर को ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक ये ग्राफिक नॉवल नहीं पढ़ी है, डेफिनेटली इट्स अ मस्ट बाय एंड इट्स अ मस्ट कलेक्टेबल. ये आपके कलेक्शन में होनी चाहिए. इट इज़ सर्टनली समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सुपर हीरोज़. इसमें कोई सुपर हीरोज़ नहीं है, इसमें कोई लार्जर देन लाइफ हीरो नहीं है, इसमें आपके और मेरे जैसे कैरेक्टर्स हैं. और अगर आपके और मेरे जैसे कैरेक्टर्स कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंस जाएं, तो वो कैसे निकलेंगे, निकल भी पाएंगे कि नहीं, द विलेज इसी के बारे में. दिस वॉज अ वीडियो गाइज. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर द वीडियो विद अदर्स. थैंक यू सो वेरी मच. गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.